हेलो स्टूडेंट्स, मैं फेजर डायग्राम का एक स्टेप अहेड और लेकर आई हूँ टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। और इसमें हम कंसिडर करने वाले रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स, दोनों वाइंडिंग्स। जैसा कि मैंने फिगर में बताया है R1 और R2, तो ये हमने शो कर लिया। मतलब मैं मानकर चल रही हूँ कि जिस कंडक्टर से ये वाइंडिंग बनी हुई है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो उसके इनरेंट प्रॉपर्टी है, तो उस रेजिस्टेंस को मैं बाहर शो कर दे रही हूँ। तो अब ये जो पोर्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, ये प्योर इंडक्टिव पार्ट है। इस कंडक्टर का इनरेंट रेजिस्टेंस मैंने बाहर रिप्रेजेंट कर दिया है। ऐसे ही इस वाइंडिंग का जो इनरेंट रेजिस्टेंस है R2, वो मैंने बाहर रिप्रेजेंट कर दिया है, और ये अब मेरा प्योर इंडक्टेंस हो गया वाइंडिंग। उम्मीद है समझने में कोई मुश्किल नहीं आ रही होगी। वायर तो अपने आप में जिस कंडक्टर से बना है उसके इनहेरेंट रेजिस्टेंस को प्रैक्टिकली हम बाहर नहीं कर सकते। मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि ये जिस कंडक्टर, माना कि कॉपर से बना हुआ है, तो ये कॉपर का की लेंथ यहाँ पे सपोज 2 मीटर्स यूज हुई है इस वाइंडिंग को बनाने में। तो 2 मीटर कॉपर का एक पर्टिकुलर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन भी रखा होगा, मतलब दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का वायर और पर्टिकुलर लेंथ 2 मीटर्स का वायर जो है कॉपर का, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कुछ है, उस हिसाब से हम जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द 2 मीटर वायर निकाल सकते हैं। आप लोगों को याद हो तो मैं लिख दूं, वैसे आप 9 से 9 10 से पढ़ते आ रहे, रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर हुज लेंथ इज एल रो एल बाय ए, ये होती है रेजिस्टेंस की क्वांटिटी। रो जो है वो रेजिस्टी है, रेजिस्टिविटी है, एल जो है वो लेंथ ऑफ द वायर, और ए जो है वो क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है। तो चलिए, ये तो बहुत ही बेसिक की बात हो गई। अब तो मैं इस कॉपर के 2 मीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको मैं बाहर स्मॉल R1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और इस वायर को सपोज मैंने 3 मीटर से बनाया तो उसको मैं R2 से बाहर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कंसिडर कर रही हूँ, और इससे पहले मैं कोर लॉसेस लेकर चली रही थी ट्रांसफार्मर को के, तो मैं वो भी लेकर चल रही हूँ, और ट्रांसफार्मर मेरा लोड लोडेड है ही, मतलब ऑन लोड है। अब एजम्पशंस क्या क्या है? एजम्पशंस में सिर्फ बचा लीकेज ऑफ फ्लक्स, मैं 0 मान के चल रही हूँ, और साथ में के की वैल्यू इस बार मैं less than 1 ले लेती हूँ, E1 को मैं बड़ा बता देती हूँ E2 से, मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं हम, स्टेप डाउन। तो अभी जो मैंने यहाँ पे 3 मीटर वायर बोला, वो मुझे 3 ना बोल के यहाँ पे 1.5 मीटर, 1.8 मीटर ऐसा बोलना चाहिए। ये 2 मीटर से, तो इससे छोटे वायर से मैं वो कम नंबर ऑफ टर्न्स बनाऊंगी, क्योंकि E1 बड़ा है E2 से, तो नेचुरली नंबर ऑफ टर्न्स N2 छोटे होंगे N1 से। तो ये कम मीटर की लेंथ का वायर इससे लगेगा, ये 2 मीटर है तो ये 1.8 1.5 ऐसा लगेगा। मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब लोड मैं कैसा मान के चल रही हूँ, फिर से ही रेजिस्टिव लोड मानकर चल रही हूँ, तो जिसे मैं यूनिटी पावर फैक्टर लोड बोलूंगी। मुझे मालूम है कि ये जो I1 जो है वो I0+I2 होता है, और I0 को मैं IMU+IW का भी फेजर सम लिख सकती हूँ। तो मैंने I0 की जगह इन दोनों को रखा और I2 एज इट इज रखा, I1 ये हो गया। और चाहूँ तो मैं IMU+I2 को मैं K(I2) लिख के माइनस साइन कर सकती हूँ, मतलब हम I2 को जब रिवर्स कर देते हैं और के से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा I2 बन जाता है। तो ये हमारा पूरा करंट का एक एक्सप्रेशन हो गया, I1 का फेजर एक्सप्रेशन। कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट हमें जो जो मालूम था वो मैंने यहाँ रख दिया है। ऐसा सम्स में जब यूज़ होगा हम करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो। अब रेजिस्टेंस के होने की वजह से क्या फिनोमिना हो रहा है? रेजिस्टेंस के होने की वजह से इस सर्किट में जब I1 करंट बहेगा तो R1 के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, और इस सर्किट में जब I2 करंट बहेगा तो R2 के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। KVL इक्वेशन चलिए लिखते हैं। V1 की प्लस पोलैरिटी यहाँ है क्योंकि करंट यहाँ से इवॉल्व हो रहा है, ऐसा हम एजम्पशन शुरू से करते आए हैं। जब रेजिस्टेंस R1 में से करंट जिस तरफ से एंटर होगा उधर प्लस पोलैरिटी होगी, दूसरी तरफ माइनस। इस वाइंडिंग के अक्रॉस भी प्लस पोलैरिटी ऊपर होगी क्योंकि I1 करंट ऊपर से एंटर कर रहा है और माइनस नीचे की तरफ होगा। ये बेसिक रूल है सर्किट में
कि करंट कंज्यूमर्स जो है ये सब कंज्यूमर्स है, कौन द एनर्जी सप्लायर है, V1। तो V1 के पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट निकलता है, सोर्स के हमेशा पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट निकलता है और कंज्यूमर्स के पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट एंटर करता है। तो ठीक है, जब हमने यहाँ पर पूरे प्लस माइनस साइंस लगा दिए हैं तो मैं KVL इक्वेशन लिखना शुरू करने के पहले मैं इमेजिनरीली चलूंगी, मैं यहाँ से चलूंगी, V1 को ट्रेस करूंगी, फिर मैं R1 को ट्रेस करूंगी, फिर मैं E1 को ट्रेस करूंगी और वापस यहाँ पहुंच जाऊंगी। तो जिस साइन की तरफ जैसे V1 को ट्रेस करें तो V1 के प्लस की तरफ जाऊंगी तो प्लस V1 लिखूंगी, R1 के प्लस की तरफ या माइनस की तरफ लिखूं जाऊंगी तो R1 के अक्रॉस का ड्रॉप जो है I1 R1 उसको मैं उस साइन के साथ लिखूंगी। अगर R1 के प्लस की तरफ जा रही हूँ तो I1 R1 पॉजिटिव साइन के साथ लिखूंगी, और अगर माइनस की तरफ जा रही हूँ तो माइनस I1 R1 ऐसा लिखूंगी। E1 को ट्रेस करूंगी तो E1 के जिस तरफ जा रही होंगी वो साइन E1 के साथ लग जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से चलना शुरू करती हूँ और ऐसे चल रही हूँ। V1 सबसे पहले मैंने ट्रेस किया, V1 के प्लस की तरफ जा रही तो मैंने V1 को प्लस साइन के साथ लिख दिया। फिर मैंने R1 को ट्रेस किया तो R1 के माइनस की तरफ जा रही, प्लस से माइनस की तरफ जा रही तो माइनस I1 R1 लिख दिया। फिर मैं E1 के माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ जा रही तो माइनस E1 लिख दिया। ये मेरी KVL इक्वेशन हो गई प्राइमरी की, प्राइमरी का P मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर। इस इक्वेशन को रीशफल किया तो V1 इज इक्वल टू R1 प्लस E1, या ये कहें कि E1 प्लस I1 R1, ये इक्वेशन प्राइमरी की KVL इक्वेशन हो गई है। ऐसा ही मैं सेकेंडरी की KVL इक्वेशन भी लिख सकती हूँ कि सेकेंडरी में भी मैं ऐसे चलूँगी, तो माना कि मैं यहाँ से ऐसे चल रही हूँ और सबके अक्रॉस मैंने प्लस माइनस साइन लगा दिए। तीन वोल्टेजेस हैं यहाँ पे, एक E2 है, एक V2 है और एक I2R2 होगा। मैं यहाँ से चलना शुरू कर रही हूँ इसके E2 की माइनस पोलैरिटी से, तो मैंने E2 को ट्रेस किया, मैं ऐसे चल रही हूँ तो सबसे पहले मैंने E2 को ट्रेस किया तो E2 के प्लस की तरफ जा रही हूँ तो E2 को मैं प्लस साइन के साथ लिख रही हूँ, मतलब कोई साइन नहीं लगा रही। फिर आगे आई V2 को ट्रेस करी तो V2 के मैं प्लस से माइनस की तरफ जा रही हूँ तो मैं माइनस V2 लिखूंगी। फिर मैं आई यहाँ पर तो मैं I2R2 के माइनस की तरफ जा रही हूँ तो I2R2 के माइनस की तरफ जा रही हूँ। R2 अकेला नहीं लिखूंगी मैं, R2 रेजिस्टेंस है, ओम्स उसकी यूनिट है, KVL इक्वेशन में हर टर्म वोल्टेज की होती है तो R2 के अक्रॉस का वोल्टेज I2 इंटू R2 ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा तो I2R2 ऐसी टर्म आएगी तो वो लिखा। और फिर से रीशफल किया तो E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2R2, ये मेरी KVL इक्वेशन सेकेंडरी साइड की हो गई तो सेकेंडरी के लिए मैंने S लिख दिया। अब ये सब चीज़ें मैं फेजर डायग्राम पर रिप्रेजेंट करूंगी। मैं फेजर डायग्राम लोड साइड से बनाना शुरू करूंगी तो V2 सबसे पहले रेफरेंस में ड्रॉ कर लेती हूँ, ये मैंने V2 रेफरेंस में ड्रॉ कर लिया। अब मैं V2 को E2 के बराबर नहीं लिख सकती, रीजन ये है। ठीक, V2 से मैं I2 सेम फेज में बनाऊंगी क्योंकि लोड कैसा है, यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब रेजिस्टिव है तो V2 और I2 सेम फेज में रहेंगे, बना दिया। अब इसके बाद मैं ये वाली जो इक्वेशन है, अब मैं V2 बना चुकी हूँ, I2 बना चुकी हूँ तो अब मैं E2 बनाने की कोशिश करूंगी। R2 हमें पता होगा, R1 R2 हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले से रहेगी तो नोन है मेरे लिए R2, तो बहुत छोटी क्वांटिटी होती है तो I2R2 ये जो फेजर होगा वो I2 की ही डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये अपने आप में क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस में से बहने वाला करंट कितना है I2, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कितना है जिसे मैं VR बोल देती हूँ, ये वोल्टेज ड्रॉप कितना है I2R2 या VR है। तो इसका मतलब I2 करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस के, रेजिस्टेंस में से बहने वाला करंट I2 है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप में ये सेम फेज में रहेगा। कहने का मतलब कि I2R2
I2 के साथ सेम फेज में रहेगा। I2 वो करंट है जो रेजिस्टेंस से बह रहा है और I2 R2 वो वोल्टेज है जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, R2 के में से बहने वाला करंट I2 है और R2 के अक्रॉस का वोल्टेज I2 R2 है। तो R2 जो होगा, सॉरी, I2 जो होगा वो I2 R2 के साथ सेम फेज में होगा। I2 जो होगा वो I2 R2 के साथ सेम फेज में होगा, या I2 R2 मैं उस डायरेक्शन में बनाऊंगी जिस डायरेक्शन में I2 होगा। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस में से बहने वाला करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस के वोल्टेज के साथ सेम फेज में है, तो मैं I2 की डायरेक्शन ये है तो मैं I2 R2 भी यही बनाऊंगी। अब मुझे I2 R2 यहां बनाने का कोई मतलब नहीं, मुझे तो I2 R2 को V2 में ऐड होता दिखाना है, मुझे I2 R2 को V2 में जोड़ना है। तो मैं क्या करूंगी, यहां पर इसके आगे छोटा सा I2 R2 बना दूंगी। कितना? ये I2 R2 है। तो मैं अब एडिशन क्या कर रही हूं, V2 में ऐड कर रही हूं I2 R2। तो अब ये पूरा मेरा इतना जो होगा ये मेरा E2 हो चुका है। कहां से कहां तक? ये पूरा E2 हो चुका है, इतना पूरा E2 हो चुका है, ठीक है। अब E2 के ही अलोंग E1 लेना है तो ले लेते हैं, और E1 को मुझे क्या दिखाना है, बड़ा, मतलब ये पूरा E1 है, इतना पूरा E1 है। यहां से अगर मैं इसे O पॉइंट कहूं तो O से यहां तक E1 है, O से यहां तक V2 है, O से यहां तक E2 है। I2 R2 सिर्फ इतना है, I2 सिर्फ इतना है। मैं रिप्रेजेंट कर देती हूं, आप लोगों को आसानी होगी। I2 R2 सिर्फ इतना है, E2 कितना है, O से लेकर यहां तक, और O से लेकर यहां तक E1 है, ठीक है। अब E1 E2 ड्रॉ हो गए हैं तो मैं फ्लक्स बना सकती हूं 90 डिग्री आगे, तो मैं इससे 90 डिग्री आगे फ्लक्स बना देती हूं। ये बना दिया वर्किंग फ्लक्स। फ्लक्स से थोड़ा सा आगे मैं आई नॉट बना देती हूँ लेमडा एंगल पर, बना दिया। अब I2 से अपोजिट मैं क्या बनाऊंगी, I2 डैश। I2 से अपोजिट I2 डैश बनाऊंगी। कितना? K टाइम्स ऑफ I2। K कैसा है? लेस देन वन। तो अब I2 डैश की लेंथ जो होगी वो I2 से छोटी होगी, ठीक है। मैं I2 डैश थोड़ा सा छोटा बना लेती हूँ I2 से, और 180 डिग्री पीछे कर देती हूँ। अब मुझे प्राइमरी साइड का फेजर डायग्राम वोल्टेज का भी बनाना है, फेजर पार्ट बनाना है वोल्टेज फेजर्स को लेके, और यहां पर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेती हूँ I2 डैश और I0 से। तो इसका डायगोनल मुझे क्या दे देगा, I1। और यहीं पर मैं रेड पेन से शो कर देती हूँ I μ और I w कॉम्पोनेंट्स। एक लॉस कॉम्पोनेंट है और एक मैग्नेटाइजेशन कॉम्पोनेंट है। तो यहाँ पर करंट के सारे फेजर्स मैंने बता दिए, I w I μ I2 डैश I2 सब आ गए। अब मुझे बनाना है I1 R1 E1 और V1। E1 यहाँ है तो मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा, बोर्ड रब कर दिया मैंने। अब मुझे E1 पीछे की तरफ बनाना है। कितना? इतना। तो मैं वो क्या होगा, -E1। कहाँ से बनाऊंगी, जो पहले मैं O शो कर रही थी उतना मैं -E1, जितना ये, इसे मैं O बता ही देती हूँ, O E1 इतना, O2 ये टिप E1 है, इतना ही मैं पीछे ले लेती हूँ, तो उसे मैं -E1 बोल रही हूँ। -E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉट V1, अभी V1 नहीं है,
अब यहाँ पे मैं माइनस ई वन को वी वन नहीं बोल सकती, ई वन का ये मैं मोड ही लेती हूँ, मुझे उसी से मतलब है, क्योंकि इस तरफ मैं सारा फेजर सम दिखाऊंगी, सारे वोल्टेजेस का, प्राइमरी साइड का भी सेकेंडरी का, तो बहुत क्लमजी हो जाएगा, इसलिए मैं बैक साइड में ई वन को माइनस ई वन करके उधर ले लेती हूँ, और उसी के आगे मैं आई वन आर वन बनाऊंगी। अब आई वन आर वन किस डायरेक्शन में होगा? आई वन की डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि आर वन जो है वो रेजिस्टेंस है, तो आर वन में से बहने वाला करंट आई वन आर वन के साथ सेम फेज में रहेगा, तो जिस डायरेक्शन में आई वन बना होगा उसी डायरेक्शन में मैं आई वन आर वन बनाऊंगी, पर किसके आगे बनाऊंगी? ई वन के आगे बनाऊंगी। तो मैं ये रहा आई वन आर वन, इसके पैरेलल मैं छोटा सा आई वन आर वन बना रही हूँ। ये लॉ ऑफ ट्राइंगल अप्लाई कर, यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा रही हूँ जो कन्वीनियंट है, और यहाँ पे मैं लॉ ऑफ ट्राइंगल लगा रही हूँ, दोनों बात एक ही है। लॉ ऑफ ट्राइंगल मतलब पैरेललोग्राम का हाफ जो होता है वो ट्राइंगल होता है, तो लॉ ऑफ ट्राइंगल या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एक ही चीज़ है वेक्टर एडिशन की। तो मैं यहाँ पर लॉ ऑफ ट्राइंगल लगा रही हूँ। अब मेरे पास ई वन है, उसके आगे आई वन आर वन है, तो ई वन के स्टार्टिंग पॉइंट से आई वन आर वन के एंडिंग पॉइंट पे जब जोड़ दूंगी नए फेजर को, तो वो मेरा वी वन बन जाएगा। तो ये मेरा पूरा वी वन फेजर है, ये मेरा वी वन फेजर है। अब आई वन और वी वन के बीच का जो एंगल डिफरेंस होगा वो थीटा वन होगा, प्राइमरी पावर फैक्टर एंगल। आई वन और वी वन और आई नॉट के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा नॉट होगा, नो लोड पावर फैक्टर एंगल। इस तरीके से ये अपने को सारे फेजर्स मिलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ। तो मैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ऐसा ही आप आरएल लोड ले सकते हैं, ऐसा ही आप आरसी लोड ले सकते हैं, ऐसे ही आप प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को भी ले सकते हैं। तो मैं अगला वीडियो इन्हीं में से किसी एक पर्टिकुलर या दो फेजर्स को ड्रॉ करने वाला बनाऊंगी। थैंक यू।